भाइयों और बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वंशवाद और भ्रष्टाचार के लिए इनका समर्पण एक जैसा ही है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि 2014 में देश की जनता इन सब के ऊपर उठकर इस चौकीदार को बिठा देगी। बीते 5 वर्ष में आपके इस चौकीदार ने इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई भाजपा एनडीए सरकार ने की है, उसकी वजह से इन सभी लोगों ने अपना एक ही एजेंडा बना लिया है कि मोदी को रास्ते से हटाओ। और कुछ लोग तो मोदी को रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने गए थे। साथियों, आप याद करिए, पहले कोई नंबर 2 की कमाता था तो वो पैसे खपाता कहां था? किसी फर्जी नाम से, ड्राइवर के नाम पर, किसी फर्जी नाम से घर के कर्मचारी के नाम पर, वो रिश्तेदार जो पैदा ही नहीं हुआ उसके नाम पे पैसे, वो रिश्तेदार जो दशकों पहले स्वर्ग सिधार गया उसके नाम पे पैसे। मुझे इनका खेल मालूम था, इसलिए जो बेनामी संपत्ति कानून 28 साल से अटका हुआ था उसे मैंने संसद में पास कराया और देश भर में लागू कर दिया। साथियों, अब तक ऐसी लगभग 2000 बड़ी बड़ी बेनामी संपत्तियां हमारी सरकार जब्त कर चुकी है और इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। अब आप मुझे बताइए, जिसका आलीशान बंगला जब्त हुआ, जिसकी लाखों की गाड़ी जब्त हुई, जिसकी बेनामी जमीनें जब्त हुई, क्या वो मुझे छोड़ेगा? क्या मुझे छोड़ेगा? क्या वो मुझे खत्म करने के लिए हर कोशिश करेगा ना? मुझे हटाने की हर कोशिश करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? दिन रात एक करेगा कि नहीं करेगा? अगर उसको दिन रात मेरे नाम की गालियां देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? लेकिन ये मोदी है, ये गरीबों के साथ खड़ा है, ये अन्याय के खिलाफ खड़ा है। आपके आशीर्वाद से ये किसी के दबाव में नहीं आने वाला और न भी कभी मैं डरता हूं। साथियों, ये लोग लाख दबाव बनाते रह गए, लेकिन मैंने करीब 3.5 लाख फर्जी कंपनियों को एक झटके में ताला लगा दिया। आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, पान की गुमटी जितनी जगह पे ये लोग 100-100 कंपनियां चलाते थे, अरबों खरबों की हेराफेरी करते थे। ये कंपनियां क्या थी? ये काले धन की मशीन थी। मोदी ने इस मशीन को ही बंद नहीं किया, काले धन की जो टंकी थी उसकी टोंटी को ही सील कर दिया।